हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट जो इस गुजरात बोर्ड में आने वाला है एग्ज़ाम उनके इम्पोर्टेंट के बारे में वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो पहले इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए थे, आप उसको देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। आज हम सिर्फ सोशल साइंस की बात करेंगे, उसमें सभी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज ऑफ इंडिया में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक MCQ या तो ऑब्जेक्टिव जो बोलते हैं उससे 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है उसमें पहला डिफरेंस जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडियन नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। फिर दूसरा क्वेश्चन है इन व्हाट वे डज कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। फिर व्हाट इज हेरिटेज। फिर मेंशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड स्टेट द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन नेचुरल हेरिटेज। Who have contributed to the development of our rich heritage? Rich article of the Indus Valley civilization make us proud of our cultural heritage. Which arc of the ancient period make us proud of our cultural heritage? Which are the things that are included in the cultural heritage? Why do we regard the river as a Lok Mata? And how the foreigner tribes that migrated to the India in ancient times were Indianized? फिर जो नेक्स्ट है शॉर्ट नोट है नेगरी डॉट के ऊपर। फिर नेम द प्लेस ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन गुजरात। नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन गुजरात। नेम द फेमस रिलीजन सोशल एंड टूरिज्म प्लेसेस इन गुजरात। नेम द आउटसाइडर हु केम टू इंडिया इन एंशियंट टाइम्स।